स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता, आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप जब गूगल पीपीसी एडवर्ड्स का कैंपेन बनाते हैं, मतलब सर्च कैंपेन बनाते हैं, कॉल ऑन लीड कैंपेन बनाते हैं, तो उसको बनाने के दौरान आपको कुछ एक्सटेंशंस का ध्यान रखना है। हम सारे ही एक्सटेंशंस के ऊपर वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं। आज मैं आपको साइट लिंक एक्सटेंशन के बारे में बताऊँगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस है अगर आपको पीपीसी कैंपेन बनाना है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। आप अपना गूगल एडवर्ड अकाउंट लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम आपको एक फ्रेश कैंपेन में आपको बनाना सिखा रहा हूं। कैंपेन में ज्यादा आपको बस डेमो फटाफट बताऊंगा। मेजरली हमारा फोकस इसमें रहेगा सिर्फ साइट लिंक एक्सटेंशन पे। अगर आपको कंप्लीट कैंपेन या पीपीसी सीखना है तो ऑलरेडी हमारे ट्यूटोरियल्स हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। न्यू कैंपेन में जाएंगे, लीड जनरेशन पे जाएंगे, सर्च कैंपेन में जाएंगे। सर्च कैंपेन के बाद हम जाएंगे वेबसाइट विजिट्स पर। वेबसाइट हम अपनी डालेंगे, वेबसाइट कॉपी करेंगे, कॉपी करने का पेस्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब ये हम कैंपेन सेटिंग्स के पेज पे आ गए। अब यहाँ पर हम डिजिटल डेमो कर देते हैं, हम आपको डेमो दे रहे हैं। यहाँ पर हम फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी पीपीसी के ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन कर रखा है हमने आपको। डेली अभी हम पुट कर देते हैं, सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेजेस इंग्लिश ही रहने देंगे, ऑडियंस में हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। बजट हम अभी 500 कर देते हैं। बिडिंग कन्वर्जन ओके। अब मेन दोस्तों हमें आपको ये सिखाना है इस ट्यूटोरियल में, साइट लिंक एक्सटेंशन। तो साइट लिंक एक्सटेंशन क्या है वो मैं आपको पहले एक सैंपल दिखाता हूँ। तो साइट लिंक एक्सटेंशन आप देख सकते हैं, जैसे ये इस तरीके से गूगल पे जब कोई सर्च करता है तो हमारा एड डिस्प्ले होता है, पेड एड। तो यहाँ तो हमारा आप देख सकते हैं हेडिंग, हेडलाइन, वेबसाइट का यूआरएल ये आता है। ये होते हैं हमारे साइट लिंक एक्सटेंशन। ये साइट लिंक है, ये उसके एक्सटेंशन है। इससे ब्रॉडर व्यू मिलता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रांड के, अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम अपने एड से अकॉर्डिंगली रेलिवेंट हम अपने क्लाइंट को फ्रंट पे दिख जाएगी, तभी उसका इंटरेस्ट होता है कि वो हाँ उस पर उसको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो क्लिक करके सीधा हमारे वेबसाइट पे जाता है। तो उस पर क्लिक का रेशो बढ़ जाता है और ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये बनता कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं। तो हम साइट लिंक एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे। अब साइट लिंक एक्सटेंशंस में हम न्यू एक्सटेंशन पे जाएंगे। प्रीवियस कुछ बने हुए हैं, इसको हम इग्नोर करेंगे। न्यू आपको जब नया आप एक्सटेंशन बना रहे हैं तो आपको न्यू एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। हमने क्लिक किया तो सबसे पहला देखिए, मिनिमम 2 साइट लिंक एक्सटेंशन या मैक्सिमम या 4 तो आपको बनाने ही चाहिए। रिकमेंड 4 करे जाते हैं, बट मिनिमम 2 हैं। तो 2 हम आपको बनाना सिखाएंगे और उस तरीके से आप मल्टीपल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हम पुट करते हैं YouTube सर्विसेज, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन पुट करेंगे। हमने अभी डमी बना रखा है टू सेव टाइम, बट आपको सर्विस जो आप डाल रहे हो उसकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बनानी है, जिसमें आप अपना कोई ऑफर, उस सर्विस की USP या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, आपको ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बहुत
इफेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर को वही डिस्क्रिप्शन दिखती है। और इसमें देखिए 35 कैरेक्टर्स हैं, तो उससे आप ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन बनानी है, बहुत इफेक्टिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि कस्टमर उस पर क्लिक करे। सेकंड डिस्क्रिप्शन हम कॉपी कर देंगे। पुट करेंगे और URL डालेंगे। तो आपकी जो सर्विस है, ठीक है, तो उस सर्विस का आप URL डाल सकते हैं। तो अब जैसे हमारा वहाँ YouTube है, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो हम सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो जो प्रोडक्ट या सर्विस आप शो कर रहे हैं साइटलिंग एक्सटेंशन में, उसी से पेज से रिलेटेड URL डालेंगे, तो ज़्यादा रेलिवेंट होगा। ऐसे ही दोस्तों सेकेंड हम बनाएंगे साइटिंग एक्सटेंशन, और कोई सर्विस जो हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे हम SEO की सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, SEO सर्विसेज, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन हम डालेंगे, अभी हम यही डमी डिस्क्रिप्शन ही कॉपी कर रहे हैं दोस्तों। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन और ये सब आपको बहुत अच्छे से कॉपी कर बनानी है, और रेलिवेंट होनी चाहिए, उस सर्विस से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब क्योंकि उसमें SEO सर्विसेज से रिलेटेड था, तो यहाँ पर हमारे पास पेज है वेबसाइट में SEO से रिलेटेड, तो उस पेज का URL हम कॉपी करेंगे, जाएंगे और पेस्ट करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको हम सेव करेंगे, और अब मैं आपको प्रीव्यू दिखा रहा हूँ कैसा दिखेगा ये। सो नाउ यू कैन सी कि किस तरीके से ये शो हो रहा है, ठीक है दोस्तों, मोबाइल पे। और देखिए ये डेस्कटॉप पर, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, ये हमारी मेन हेडलाइन आ गई, URL आ गया, ये हमारी साइट लिंक है, और ये साइट लिंक एक्सटेंशंस हैं। तो आप मिनिमम 4 बनाइएगा, वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत फायदा पड़ता है, जितनी ज़्यादा सर्विसेज और उसकी डिटेल आप दिखाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये है साइट लिंक एक्सटेंशन, इस तरीके से साइट लिंक एक्सटेंशन बनाया जाता है, और बहुत ही यूजफुल है PPC एड्स के लिए, सर्च एड्स के लिए, कॉलोनी एड्स के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ साइट लिंक एक्सटेंशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और भी जितने भी एक्सटेंशन हैं उसके ऊपर भी वीडियोस हैं, जो कि आप हमारे चैनल में देख सकते हैं। बिकॉज सही एक्सटेंशन, सही नेचर ऑफ जो आप ऐड बनाते हो, नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको चूज़ करना होगा, तभी आपके ऐड और बेहतर परफॉर्म करेंगे, आपका पैसा सेव होगा। तो दोस्तों कोई भी क्यूरी है कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं आप तक सारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पहुंचा सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।